उत्तर प्रदेश के मेरठ में सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत का प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सफलता पूर्वक सम्पन्न सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत के प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी ने की एवं संचालन हाजी इरफान एवं रहमुद्दीन बावली ने किया। कार्यक्रम में देश भर से कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में बिन दहेज के शादी ब्याह निकाह को मिन सुन्नति कराने पर जोर दिया गया। समाज में फैली कुरीतियों को ज्यादा से ज्यादा दूर करने के लिए आपसी भाईचारा बनाकर भेदभाव मिटाकर अपने घरों में लड़ाई झगड़े निपटाने का फैसला लिया गया, जिससे कि थाना कचहरी में सैफी समाज के लोग न पहुंचे, इसका आह्वान भी किया गया। दूसरे की लड़की को अपनी बहू या नौकरानी ना समझें, बल्कि अपनी बेटी बनाकर अपने घरों में निकाह करके लाएं और उनको बराबर का दर्जा दें। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तहसील विधानसभा तथा बूथ अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। सेफी संघर्ष समिति पंजीकरण का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज नूरजा पैलेस के अंदर एक सेफी समाज का एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें दिगर लोग से प्रदेश अध्यक्ष सभी ने शिरकत की है और बिरादरी में जो बेदारी चल रही है उसके ऊपर चर्चा की है। दहेज को लेना देना जो छूट छुटवल चल रहे हैं उस पर चर्चा की गई है। आने वाले 2022 को किधर हमारा रुख होगा उस पर भी चर्चा की गई है। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि जागरूक रहिए और जागते रहिए और समाज के साथ खड़े।